तो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाउंड्री वॉल के बारे में। जब भी हम घर बनाते हैं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है हमारा बाउंड्री वॉल, जो हमारे प्लॉट की बाउंड्री को डिसाइड करता है। तो इसके क्या क्या कंपोनेंट पार्ट होते हैं, इसका क्या फंक्शन होता है, इसके बारे में पूरे डिटेल में जानने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर हरीश दावना, कॉर्पोरेट ट्रेनर, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी, द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जहां पर बात करते हैं हम कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में, यानी कि आपके बारे में। तो एक आज एक और टॉपिक लेके आ गया हूं मैं आप लोगों के लिए, जो है हमारा बाउंड्री वॉल। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि कैसा होता है हमारा बाउंड्री वॉल और क्या क्या चीजें करते हैं हम इसको बनाते टाइम। तो अभी हम लोग जानेंगे बाउंड्री वॉल के बारे में पूरे डिटेल में। तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं क्या होता है इसका फंक्शन, बाउंड्री वॉल का फंक्शन क्या है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी फंक्शन की बात करूं तो वो होती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब कि जैसे कि हमारा बाउंड्री वॉल नहीं है तो कोई भी इजीली एक्सेस कर पाएगा हमारे घर पे, डायरेक्ट आके घुस जाएगा। तो ऐसा ना हो, सिक्योरिटी बनाए रखे, इसलिए एक सर्टन हाइट पर हम लोग एक बाउंड्री वॉल बनाते हैं। अगर कोई वहां से जंप करते हुए आता है तो कोई अगर आसपास के लोग देखते हैं तो समझ जाता है कि किसी गलत इरादे से उस घर में घुस रहा है। तो ये होता है हमारा सिक्योरिटी कि कोई इजीली एक्सेस ना कर पाए हमारे घरों में। दूसरा होता है हमारा प्राइवेसी, मतलब कि कई बार हम लोग घर के अंदर कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं तो अगर बाउंड्री वॉल नहीं होता है तो कोई बाहर से रोड से चलते हुए भी हमारे घर में झांक सकता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। लेकिन अगर बाउंड्री वॉल हमने बनाया हुआ है तो हमारे घर के अंदर क्या कर रहा है ये लोगों को नहीं दिख पाएगा इजीली। उसके बाद अगला फंक्शन होता है हमारा प्रोटेक्शन। जैसे कि हमारे इंडिया का जो मौसम है ऑल वेदर यहां पर इफेक्ट करते हैं, जहां पर आपकी धूप, बरसात, ठंडी, ये सारी चीजें आती है। तो ऐसे ही केसेस में हमारे जो इन्वायरमेंट है वहां पर आपको आंधी, तूफान और बारिश को भी झेलना पड़ता है। तो अगर आपने बाउंड्री वॉल नहीं बनाया तो आंधी, तूफान और बारिश की वजह से डायरेक्ट इफेक्ट आपके घर के अंदर जाएगा। लेकिन अगर आपके बाउंड्री वॉल्स अवेलेबल है वहां पर तो उन सारी चीजों को ये फेस करेंगे, हमारे प्रोटेक्शन करेंगे, इसलिए वो हमारा जो फंक्शन होता है नेक्स्ट वो होता है हमारा प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल का, जो हमारे धूप, धूल, मिट्टी और बारिश से हमारे घर को बचाता है इजी एक्सेस होने में। उसके बाद आता है एस्थेटिक्स, मतलब कि जैसे कि आप सभी को भी पता है कि घर का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए हमारे घर का। जब भी हम घर बनाते हैं हमारा डिज़ाइन तो एकदम प्रॉपर अच्छा दिखना चाहिए, सभी का ये सपना होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा जो बाउंड्री वॉल है वो काम करता है। आपने भी देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर डिज़ाइन किसी के घर के आगे बने हुए जो कि बाउंड्री वॉल्स में बने होते हैं, तो वो भी एक हमारा फंक्शन होता है हमारे बाउंड्री वॉल का। उसके बाद आता है लीगल बाउंड्री। जैसे कि आप सभी को पता है, बाउंड्री के नाम से ही समझ में आ रहा होगा आप सभी को कि एक बाउंड्री डिसाइड कर देता है हमारे प्लॉट की, मतलब एक लीगल बाउंड्री हमारे प्लॉट की डिसाइड कर देता है। तो ये सारे होते हैं उसके फंक्शन, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, प्रोटेक्शन, एस्थेटिक्स और लीगल बाउंड्री। तो ये हमारे फंक्शन हो जाते हैं बाउंड्री वॉल के। आगे बढ़ते और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे, जैसे कि उसमें कौन कौन से कंपोनेंट पार्ट्स होते हैं हमारे बाउंड्री वॉल के। तो सबसे पहले जो कंपोनेंट पार्ट होगा वो हमारा होगा सोलिंग, जो सबसे पहले हम लोगों को करना होगा सोलिंग। डिटेल में जानेंगे कि सोलिंग क्या होता है। उसके बाद होता है हमारा PCC, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट। उसके बाद आता है हमारा फुटिंग, जो कि हमारे लोड को ट्रांसफर करता है। उसके बाद आता है वन लाइन ब्रिक वर्क। उसके बाद आता है हमारा ग्राउंड बीम, फिर आता है कॉलम, फिर ब्रिक मैसनरी, उसके बाद देन लास्ट आता है हमारा कोपिन, जिसको आप लोग बीम बैंड भी कहते हो। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती है। तो चलते हैं हम लोग जानते हैं डिटेल में सोलिंग के बारे में। लेकिन सबसे पहले हम लोगों को करना होगा एक्सकावेशन। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जो प्रोसेस होगा वो आ जाएगा हमारा एक्सकावेशन, कि जहां पर भी हम लोग बाउंड्री वॉल बनाएंगे वहां पर एक्सकावेशन करने की जरूरत है। कई लोग क्या करते हैं, बिना एक्सकावेशन किए सीधा ग्राउंड लेवल से ब्रिक वर्क करना चालू कर देते हैं। तो एकदम गलत प्रैक्टिस है जो कि कॉमनली होते हुए दिखता है। तो ऐसा नहीं है, हमको एक्सकावेशन से जैसे बिल्डिंग हम लोग बनाते हैं उसी तरीके से इसका भी कंस्ट्रक्शन होता है। तो सबसे पहले हमको करना होगा इसका एक्सकावेशन, जहां पर भी हमको हमारी बाउंड्री वॉल बनानी है वहां पर। उसके बाद एक्सकवेशन के बाद होता है सोलिंग, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो। सोलिंग क्या होता है, जैसे हम सर्टन हाइट पर गए तो वहाँ पर मिट्टी होती है, तो अगर वो हार्ड नहीं हुई, या सपोज क्या होता है कि कभी कभी सॉफ्ट सॉइल हमारे अवेलेबल होते हैं एक्सकवेशन पीट पे, तो उस वजह से हमको वहाँ पर करना पड़ता है सोलिंग। सोलिंग क्या होता है कि जो हमारी सॉफ्ट सॉइल होगी उसको एकदम हार्ड बना देगा, हार्ड बेस प्रोवाइड करेगा हमारे फुटिंग के लिए, जिससे कि लोड ट्रांसफर अच्छे से होगा। मे बी ये हो सकता है ब्रिक बैट सोलिंग, जो कि ब्रिक का होता है, और ये हो सकता है हमारा स्टोन सोलिंग,
सोलिंग, मतलब कि इसमें हमको सोलिंग किसी भी टाइप से आप कर सकते हो, चाहे ब्रिक से हो जिसको आप ब्रिक बैट सोलिंग बोलते हो, और जो हमारा स्टोन सोलिंग है इससे भी आप कर सकते हो। इसकी जो थिकनेस होती है जनरली 4 इंच से 6 इंच तक की होती है। जैसे कि अगर हम ब्रिक भी लगा रहे हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि ब्रिक भी लगा रहे हैं, तो एक सिंगल ईटे का ब्रिक हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं ब्रिक बैट सोलिंग के लिए। तो ये भी एक चीज है कि आप इसकी जो हाइट आपको नजर आ रही होगी जो हमारे नॉर्मल ब्रिक की होती है वो होती है 3 से 4 इंच, तो यहाँ पर 4 इंच की सोलिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जनरली 4 से 6 इंच का इसका सोलिंग हो सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है PCC। जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि हमारा PCC क्या करता है, एक हार्ड बेस प्रोवाइड करता है हमारे फुटिंग को, जिससे कि हमारे फुटिंग में आने वाले लोड इक्वली ट्रांसफर होते हैं हमारे सॉइल में। तो PCC का यही फंक्शन होता है कि जो लोड आते हैं हमारे फुटिंग में उसको ट्रांसफर कर देता है इजिली हमारे सॉइल में। नेक्स्ट आता है हमारा, जो नेक्स्ट आइटम आता है वो होता है फुटिंग। जैसे कि आप सभी को पता है और मैंने अभी भी बताया आप लोगों को कि फुटिंग क्या करता है, जो भी लोड बाउंड्री वॉल का आएगा वो कॉलम में आएगा। कॉलम किसको लोड ट्रांसफर करेगा, वो करेगा हमारे इस फुटिंग को। ये फुटिंग से हमारा जो लोड है वो आपके डायरेक्टली, वो डायरेक्टली कहाँ पर चला जाएगा, वो डायरेक्टली चला जाएगा हमारे सॉइल पर। तो ये होता है हमारा फंक्शन फुटिंग का। फुटिंग के बाद हमारा जो आता है वो आता है वन लाइन ब्रिकवर्क। अब वन लाइन ब्रिकवर्क क्यों करें, जैसे कि आप लोग ने यहाँ पर फुटिंग किया है ना, फुटिंग करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डायरेक्ट सॉइल के कॉन्टैक्ट में अगर आपने बीम बना दिया, डायरेक्ट सॉइल के कॉन्टैक्ट में आपने बीम बना दिया, तो बीम का जो वाटर सीमेंट रेशियो है ये सॉइल अब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसा ना करे, ऐसा ना हो, इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वन लाइन ब्रिक वर्क बनाते हैं। क्योंकि वन लाइन ब्रिक वर्क अगर बनाएंगे तो ब्रिक को अगर पहले से गीला रखा हमने तो हमारा जो इसके ऊपर बीम आने वाला है उसका वाटर सीमेंट रेशियो को इफेक्ट नहीं करेगा। ये हमारा फंक्शन होता है वन लाइन ब्रिक वर्क का, जिससे कि पूरा लोड जो बीम पर आने वाला है और जो बीम बनने वाला है वो ग्राउंड पर ना बनते हो, थोड़ा सा सर्टन हाइट पर हो, जिससे कि वाटर सीमेंट का जो रेशियो है वो इफेक्ट ना हो। उसके बाद आता है हमारा ग्राउंड बीम। जैसे वन लाइन ब्रिक वर्क हुआ वैसे ही आ गया हमारा ग्राउंड बीम। अब ग्राउंड बीम क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो भी हमारा ब्रिक मेसनरी होने वाला है बाउंड्री वॉल के ऊपर, तो उसका जो भी लोड है वो इस बीम पर आएगा और इस बीम के थ्रू ये हमारे कॉलम में जाएगा, इसलिए हमारा ग्राउंड बीम जरूरी होता है। और जो ग्राउंड बीम का आप साइज लोगे, आप जनरली जो बाउंड्री वॉल बनाना चाहते हो तो उसमें अगर आपको साइज लेना है तो 10 इंच बाय 10 इंच का आप यहाँ पर ले सकते हो आपका जो बीम का साइज है वो। और इसमें जो स्टील लगने वाला है, स्टील रेनफोर्समेंट लगने वाला है, वो आप 12 mm के 4 लगा सकते हो। और इसमें जो स्टीरअप लगने वाला है वो भी 8 mm के जो बार्स है वो आप यूज़ कर सकते हो, जो कि 8 इंच के डिस्टेंस पर लगेगा, मतलब 200 mm की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग हमारे स्टीरअप्स की होगी। तो ये आप यूज़ कर सकते हो बाउंड्री वॉल बनाते टाइम। उसके बाद जो हमारा आइटम आता है वो आता है कॉलम। जैसे कि आप कई लोग बोल रहे होंगे कि सर कॉलम तो पहले बन जाएगा, बिल्कुल कॉलम पहले पेडिस्टल से होते हुए ऊपर तक के आएगा। तो अब ये कॉलम जो हमने बनाया है ये क्या करेगा, जो हमारा बीम है इस कॉलम से कनेक्टेड रहेगा, तो एक जो भी लोड है उसका उसको फुटिंग में ट्रांसफर करने का काम करता है हमारा कॉलम। और एक कॉलम की जो साइज होनी चाहिए एक बाउंड्री वॉल को बनाने के लिए, मिनिमम 10 इंच बाय 10 इंच का हमारा ये होना चाहिए। और इसमें भी अगर आपको डाया जो यूज करना है कॉलम का, तो जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मिनिमम डाया ऑफ रेनफोर्समेंट इन कॉलम 12 mm का होता है, जो कि हमारे IS 456-2000 में लिखा हुआ है। लेकिन आप बाउंड्री वॉल बना रहे हो, यहां पर ज्यादा लोड नहीं आ रहा है, तो इसी वजह से आप यहां पर 10 mm के 4 बार्स भी यूज कर सकते हो। और इसकी जो स्टीरअप होगी, जो टाई रेनफोर्समेंट होगा, तो वो आप यूज कर सकते हो यहां पर 8 mm का 200 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के साथ, तो भी यहां पर आपका काम हो जाएगा आपके कॉलम के लिए। और कॉलम के लिए एक चीज और बता दूं, जो दो कॉलम के बीच में आपका डिस्टेंस रहना चाहिए वो 10 फीट का रहना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना बाउंड्री वॉल डिसाइड करोगे। एक कॉलम से दूसरे कॉलम की जो दूरी है वो 10 फीट होनी चाहिए, जो कि क्लियर स्पैन होगा, इफेक्टिव स्पैन नहीं होगा, क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन किसको बोलते हैं, एक कॉलम के एज से लेके दूसरे कॉलम के, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है इस कॉलम से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा क्लियर स्पैन होता है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 10 फीट का होना चाहिए। उसके बाद जो आएगा हमारा वो आएगा ब्रिक मेसनरी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो बाउंड्री वॉल बना रहे, तो ब्रिक मेसनरी का बनाएंगे हम लोग। तो ब्रिक मेसनरी की जो हाइट होगी, मिनिमम हाइट लेते हैं हम लोग, वो लेते हैं 4 फीट का। और इसी तरीके से अगर मैं कॉमनली बात करूँ तो हमारा ग्राउंड लेवल से जो हमारी बाउंड्री वॉल की हाइट होगी, ग्राउंड लेवल से बाउंड्री वॉल की हाइट जो मिनिमम 4 फीट होती है, लेकिन जनरली 4 फीट से 8 फीट तक के आप ले सकते हो। लेकिन अगर आपको और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए तो उसकी हाइट आप बढ़ा भी सकते हो, 10 फीट भी रख सकते हो। अगर आपकी कम हाइट आपने रखा है तो वहाँ पर फेंसिंग भी आप यूज़ कर सकते हो प्रोटेक्शन के लिए, या आप MS के जो बार्स आते हैं उसको भी आपके बाउंड्री वॉल के ऊपर लगा सकते हो एज अ प्रोटेक्शन, तो वो भी चीज़ें आप एकदम इजिली कर पाओगे। लेकिन जो जनरल हाइट लेते हो 4 फीट से 8 फीट का, हम लोग हमारे
इस बाउंड्री वॉल के लिए लेते हैं और इसकी जो थिकनेस होती है वो 8 इंच से लेकर 10 इंच की हो सकती है, जो बाउंड्री वॉल की विड्थ होगी। तो ये होता है हमारे बाउंड्री वॉल का जो ब्रिक वर्क है उसका स्पेसिफिकेशन कि उसकी हाइट और उसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी, ये मैंने अभी आप लोगों को बताया। उसके बाद जो हमारा आता है सबसे ऊपर जो पार्ट आता है कोपिन, है ना, जिसको आप लोग जैसे कि हमारे बिल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं सील बैंड प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही हमारा जो बाउंड्री वॉल होगा हम लोगों को वहां पर कोपिन प्रोवाइड करना होता है, जिसको आप बीम बैंड भी कहते हो। इसकी थिकनेस कम होती है बीम से और इसमें जो रेनफोर्समेंट लगता है वो सिर्फ 2 रेनफोर्समेंट लगता है, यहाँ पर 2 स्टील बार से लगते हैं, वो 8 mm के हो सकते हैं, 10 mm की भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपके अवेबिलिटी कैसी है आपके साइड पर उसके हिसाब से आप ये कोपिन में जो बार से उसको डिसाइड कर सकते हो, इसलिए इसे कहा जाता है बीम बैंड या कोपिन। इसका साइज और शेप अलग अलग आते हैं, एस्थेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हम लोग प्लास्टर करते हैं उसमें जो अलग अलग डिजाइन अगर आप बनाना चाहते हो तो बहुत सारे मनपसंद डिजाइन अपने बाउंड्री वॉल में बना सकते हो, अलग अलग डिजाइन भी आते हैं, तो सारी चीजें वो तो होती है। जो जनरल स्पेसिफिकेशन है मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आपको इसके बारे में डिटेल एस्टिमेशन जानना है कि सर इसका एस्टिमेशन कैसे निकालते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर हाँ मुझे इसका डिटेल एस्टिमेट कैसे निकालते हैं जानना है, मैं आप लोगों के लिए इसका एस्टिमेशन, इसका क्वांटिटी सर्वे और इसका रेट एनालिसिस एकदम डिटेल में आपको लेके वीडियो जरूर लाऊंगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लेकिन कमेंट चाहिए उसके लिए, तभी मैं उस वीडियो को लाऊंगा आप लोगों के लिए। और ये हमारे बाउंड्री वॉल की जो स्पेसिफिकेशन है ये इतनी ही थी। अगर आपको भी ऐसे ही टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स सीखना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स और ऑफलाइन कोर्स को भी, जो इंडिया के अलग अलग लोकेशन पे स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन कोर्स में हमारे पास है कॉप्स फॉर बिल्डिंग, कॉप्स फॉर हाईवे, और साथ ही साथ जो हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग है वो इंडिया के अलग अलग लोकेशन 18+ ब्रांचेस में ओपन हो चुकी है, जिसमें आप प्रैक्टिकली सीखते हो और अपने स्किल्स को बढ़ाते हो और आप अपनी करियर की उन ऊंचाइयों पर पहुंचते हो जिसके आप रियल में हकदार हो। तो आपको बढ़ाने का जिम्मा हमने ले लिया है, क्या आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हो तो एक कदम उठाए और कॉल करें 9111001234 पर। आपको एकदम करियर की अच्छी काउंसलिंग होगी कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हो इसके बारे में पूरे डिटेल में बताया जाएगा। तो तुरंत फोन उठाए और कॉल करें 9111001234 पर। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और जल्द ही मिलूंगा मैं नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।